तुम्हें पता है इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? बच्चों के साथ भूतों और चुड़ैलों की डरावनी हॉरर फिल्म देख रहा होगा। तुम्हें तुम्हारी जगह में आवी बेसी जाओ। मेरी सीट कहाँ है? मेरी जगह पे तुम लोग बैठे हो, हूँ क्या बेसू? अहिया जगह से तैया जगह से कहीं भी बेसू। मैं हमेशा सेंटर में बैठता हूँ, मैं सेंटर में बैठूंगा तो तुम भी सेफ रहोगे, वरना जाओ। ए राजू, भैया तो हमारी चिंता माँ बाप से भी ज्यादा करते हैं। ए, ये हमारी सेफ्टी की नहीं, अपनी सेफ्टी की बात कर रहा है। एक नंबर ना फट्टू छे, तुम पहली बार आए हो, मूवी शुरू होने दो फिर मजा देखना। ए चलो खसको खसको, भैया के लिए जगह बनाओ। हाँ भैया आ भी जाओ। मेरे साथ रहकर मैनर्स सीख गया तू, किसी को डर लगे तो मुझसे चिपक जाना। अरे मारा पास से बेसू ने। अब देखना इस सीन के शुरू होते ही असली शो शुरू होगा। मैंने कुछ नहीं किया। देखा ना, डर का पसीना निकलना शुरू हो गया है। निकल रहा है पसीना और बदबू आ रही सुसु की। इसने सुसु किया है। हाँ? पर फर्श गीला नहीं हुआ? हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसने डायपर जो पहना है। ये बात है तो तू यहाँ पिक्चर देखने क्यों आता है? शो तो मैं इसका देखने आता हूँ, इस पिक्चर का रिपीट टेलीकास्ट तो मैंने केबल पर 4 बार देखा है। खूबसूरत भूतनी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये लो, इसको भूतनी प्यारी लग रही है, शादी कर ले उससे गांडो छोकरो। मैं तुझे फिल्म का क्लाइमेक्स दिखाता हूँ। राज जल्दी से पीसा हुआ आटा मेरे मुंह पे मार। सोचे दिन में चुड़ैलों की डरावनी फिल्में देखता है और रात को भूत बन के मुझे डराता है, क्या करूं मैं इसका? भूत अटैक शुरू हो गया, चुड़ैल का अटैक। लाकुला का ए मोटू, लाइट ऑन कर यार, मुझे नहीं देखनी है कोई फिल्म यार, तू लाइट ऑन कर पहले, लाइट ऑन कर। किसी दुश्मन को भी ऐसा बेटा ना मिले ही भगवान, पूरी दुनिया में मुझे यही आइटम देना था तुझे। मेरी कमर, मुझे रोल रोलर की तरह रोल करा के बिस्तर पे रोल हो रहा है। किस दान ने मुझे हाथ लगा? क्यों चिल्ला के डरा रही हो? ए गांडा हूँ, डराऊ छू? मेरी नींद का भूगो करना क्यों मम्मी? नास पीटा, मुझे बाथरूम जाना है। चल मैं लेकर चलती हूँ तुझे। मम्मी डरो मत, कोई भूत वूत नहीं है, मैं बाथरूम अकेले जा सकता हूँ, आई एम अ ब्रेव बॉय। है तू इतना बड़ा हो गया? बिल्कुल। तेरे कलेजे में अकेले जाने की हिम्मत है? हिम्मत हो या ना हो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहा है, मैं चलती हूँ ना। अशोचे मम्मी, सब मुझे यही कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें बाथरूम जाने के लिए अभी मम्मी की जरूरत पड़ती है, रेप्यूटेशन और कचरो करीना। वो गलती से जबान फिसल गई। पब्लिसिटी करती है आप, मुझे ऑस्कर अवार्ड मिला है क्या? आज के बाद मैं अकेले ही बाथरूम जाऊंगा, आप देखना मैं कितना बहादुर हूँ। आया बड़ा 40 मार खा। जा जा, अगर हिम्मत है तो जाके दिखा, और फिर बच्चों की तरह मुझे मत कहना लोरी गाने के लिए, मैं नहीं गाने वाली। मेरी मम्मी हो इसलिए चुप हूँ, वरना मारो गुस्सा बहुत खराब छे। आज आपको कोई गाना गाकर मैं सुनाऊंगा। भूत आना, मुझे डराना, आजा आजा आजा, दम है तो डरा जा, आना। देखा कितना हिम्मत वाला हूँ, अकेले अंदर गया कि नहीं? आज से आपकी बाथरूम की ड्यूटी खत्म, अबे सुई जाओ। ए रुक रुक, निकला हूँ, कंफर्म करीने आऊँ। जाओ जाओ, तसल्ली कर लो। कुछ न कुछ कारस्तानी जरूर की होगी, बाथरूम में भी नींबू मिर्ची लटकाई होगी। मम्मी डरपोक क्या नहीं? ए तू बाथरूम में क्या कर रहा है इतनी रात को? मैं बाथरूम का वॉचमैन हूँ, आज शाम को नौकरी पे लगा।
घर का वॉचमैन सुना था, बाथरूम का वॉचमैन क्या होता है? बात आजी, बाथरूम का वॉचमैन क्यों नहीं हो सकता? मैं पहले एक बंगले का वॉचमैन हुआ करता था। बंगले की दीवार पर कई कुत्ते सूसू किया करते थे और मैं उनको वहाँ से भगाता था, इसलिए कई कुत्तों की जगह मैं एक आदमी पे नजर रखता हूँ। वैसे भी साहब बहुत सुर में सूसू करते हैं। मम्मी आज आ मारो एटीएम। ये तुम्हारा एटीएम है? हाँ, एनी टाइम मोबाइल वॉचमैन मेरे साथ अटैच रहेगा। राघव मम्मी ऐसा इंटेलिजेंट काम तू ही कर सकता है। थैंक यू अबे, सुई जाओ। ब्यूटी प्लग जाओ। जी साहब जी, अगली बार कब पधारेंगे? जब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ओके। हमने कर दिखाया, टुडे वी हैव बिकम नंबर वन। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे आओ सुरेश। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसा हिट शो बनाकर मेरे चैनल को नंबर 2 से नंबर 1 पर ला दिया। यू आर सिंपली ग्रेट। ये नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग। ये नहीं हो सकता, हमारा चैनल नंबर 2 से आ गया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैसे हो गया? आप सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? क्या आपको याद नहीं है, जब चैनल शुरू किया था हम 20वीं पोजीशन पर थे, फिर हम 20वीं से पहली पोजीशन पर पहुंच गए। अब दूसरी पोजीशन पर आने से कोई अनर्थ नहीं हो गया। इस वक्त आप गुस्से में हैं, गुस्से में लिया फैसला सही नहीं होता। ऐसे में सिर्फ हेल्थ खराब होगी। एक महीने की छुट्टी लेकर आराम कीजिए। हमारे एक नंबर पर पहुंचते ही मैं आपको बुला लूंगी। तो मैं जो करना करो, मैं जा रहा हूं। संगीता मैम, सभी स्टाफ मेंबर्स को बोर्ड रूम में बुलाओ। ओके मैम। गुड मॉर्निंग। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। हमारा चैनल 2 नंबर पर पहुंच गया, इसलिए हम बहुत टेंशन में हैं। और तुम बधाई दे रही हो। अब आप यहाँ वापस आ गई हैं। हमारे चैनल को नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता। सो कॉन्ग्रेट्स इन एडवांस। नॉटी गर्ल, किस प्रोग्राम ने कॉम्पिटिटर को नंबर 1 बनाया, कोई मुझे बता सकता है? जी मैडम, औरतों की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उन्होंने देश की सभी देवियों के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया, जैसे पहाड़ियों की देवी, पर्वतों की देवी, जंगल की देवी, यहाँ तक कि एक पेड़ को दूध देते हुए भी दिखाया। इसी तरह मनगढ़ंत किस्से और ग्राफिक्स की मदद से लोगों को इन बातों पर यकीन दिलाया। इस तरह बना वो नंबर 1। एक काम करते हैं, नंबर 1 पर पहुँचने के लिए हम उनसे बढ़िया डिवोशनल प्रोग्राम्स बनाएंगे। सुपर आइडिया मैडम। अच्छा सुपर आइडिया मैडम, इस तरह तो हम नंबर 3 पर आ जाएंगे। क्या मतलब? जैसे प्रोग्राम वो दिखाएंगे वैसे ही हम दिखाएंगे, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। लोग यही कहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को उनके प्रोग्राम जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा आइडिया है? उनका कॉन्सेप्ट है भगवान का, तो हमारा होगा भूत का। नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है मैडम, मेरी एक छोटी बेटी है, उसे भूतों से डर लगता है। जब भी टीवी पर भूतों की नई फिल्म आती है वो उसे देखने की जिद करती है, डरावने सीन देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अपने उंगलियों के बीच से वो पूरी फिल्म देखती है। मैडम नंदिनी की बात मुझे बहुत पसंद आई मैडम, हम उसी पे काम करते हैं। ओके फाइन, सब लोग इस पर काम शुरू कर दो। शंकर मुझे जल्दी से कोई डरावनी लोकेशन सजेस्ट करो। ये देखिए मैडम, ये फोटोज मैंने दिन में लिए हैं, रात में और डरावना लगता है। यहाँ पर मैं पहले शूट कर चुकी हूँ शंकर, तुम्हारे पास कोई नई लोकेशन नहीं है? सिटी के अंदर लोकेशन नहीं है, अगर सिटी से दूर शूट करना चाहेंगी तो मैं आपको एक से एक लोकेशन दिखा सकता हूँ। दूर तो चलेगा लेकिन लोकेशन डरावना हो। ओके मैडम, आप ये लोकेशन देखिए। शहर में भूतिया बंगलों को देखकर लोग बोर हो चुके हैं, अगर घर के किनारे समुंदर होगा तो लोगों को मजा आएगा। मैडम मुझे लगता है ये बीच वाला एरिया शूट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। 2-3 हफ्तों तक हम लोगों को ये बताएंगे कि इस बीच पर एक भूत का साया है। हम अपनी एक्ट्रेस को भूत के कपड़े पहनाकर बीच पर घुमाएंगे। आप ये लोकेशन देखिए। वाकई में डरावना है, बहुत सही लोकेशन चुना है। शंकर तुम सारे अरेंजमेंट्स कर दो। नंदिनी okay. तुम्हें और क्या क्या चाहिए? एंकर और असिस्टेंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, बस एक अच्छे कैमरामैन की जरूरत है। संगीता मैम, यहाँ बेस्ट कैमरामैन कौन है? मेरे ख्याल से राघव है। राघव को भेजो। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम तो बड़े फास्ट हो। ये तो हर कोई जानता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 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 हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए हम राघव एक बड़े से बंगले में हम एक भूत की कहानी शूट करेंगे, और वो भी रात में। आंटी तो हार्ट अटैक आपसे मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? जॉन्डिस। क्या कहा? क्या जॉन्डिस हो गया मैम? ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, इसे हिंदी में पीली और इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। देख के तो नहीं लगता। अब यही देखिए ना मैडम, ये व्हाइट टी शर्ट थी, जॉन्डिस की वजह से पीली हो गई। मैम हमारा राघव नंदिनी से बहुत प्यार करता है,
अगर आप उससे कहेंगे कि नंदिनी इस प्रोग्राम की डायरेक्टर है तो वो फौरन मान जाएगा। नंदिनी तुम किसी और कैमरामैन से काम चलाओ। इस प्रोग्राम की डायरेक्टर ये हैं? यही है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि नंदिनी मैडम डायरेक्ट करने वाली हैं? तुम सुन ही कहां रहे थे मेरी बात। जॉन्डिस की वजह से बहरा हो गया मैडम। अरे शुक्रू। हेलो। क्या कहा? लैब की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अरे शुवाचे मैडम, गुड न्यूज, जॉन्डिस मेरे शरीर को छोड़ के चला गया। पर फोन तो बजा ही नहीं। वो मैडम ये वाइब्रेशन मोड पे था ना। एनीवे इस प्रोजेक्ट के कैमरामैन तुम ही हो। थैंक्स मैडम। ओके, आपका ये एहसान रहेगा जिंदगी भर। तुम तो एक रात भी मेरे बिना सो नहीं सकते, लेकिन एक लड़की के प्यार में हमसे इतनी दूर जा रहे हो, कैसा होगा तेरा? मम्मी तुमने हमारी लाइफ छोड़, पर मम्मी आपसे पहले लाइफ में उसका नाम दिया ना। दूर हो जा मेरी नजरों से, मत आना यहाँ। असिस्टेंट के लिए ड्रेस ठीक है लेकिन मूछे सूट नहीं कर रहे। वो अभी सफा कर सकता हूँ। अब हुलिया बदल दिया साहब जी, काम पे लग जा। पूजा हाय। ये ऐश्वर्या है, हमारी मेकअप आर्टिस्ट। हाय 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 राघव। मैंने सामान रख दिया। अच्छा ठीक है। ये हमारे लाइट मैन आर्नोल्ड और आमिर खान। आर्नोल्ड क्या तुम्हारा असली नाम है? मेरी बॉडी देखकर नहीं लगता है, मूछ ना होती तो उसकी बीवी लगते। ये सब म्यूजियम पीस है क्या? मुझे क्या पता। ये है डॉक्टर प्रसाद, ये युगांडा रिटर्न है। ये टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, हमारे साथ प्रोडक्शन कंट्रोलर बनकर काम करेंगे। कैमरामैन राघव। हेलो, हाय, आई एम डॉक्टर प्रसाद। ये कैमरामैन के असिस्टेंट, ये लाइटमैन आर्नोल्ड और आमिर खान। पूजा शो की आए। हाय। ये है ऐश्वर्या मेकअप आर्टिस्ट। हेलो। ये क्या था? इसे हाथ लगाए तो शॉक लगा है। हाँ तो बहुत चालू छे, प्रोड्यूसर वाली सारी हरकतें हैं आपने। प्रोड्यूसर ही रहो, हीरो मत बनो। हम सीधे शूटिंग लोकेशन पर चल रहे हैं। नहीं नहीं, पहले हम होटल के गेस्ट हाउस चलेंगे, दिन में वहीं रहेंगे और रात को शूटिंग लोकेशन पर जाएंगे। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। मेरा नाम गीता है, मैं एमडी की फ्रेंड हूँ। एमडी से मेरी बात हुई, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। अरे वाह, छत है। वीना यहाँ। जी मैडम। ये यहाँ की कुक है। नमस्कार। ये खाना तो अच्छा बनाती है ना। कुक को देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ पकने लगा है। वहाँ उस तरफ मास्टर बेडरूम है, इस कमरे को खास तौर से आपके लिए तैयार किया गया है। पूजा तुम और ऐश्वर्या उस कमरे में रह सकते हो। सो नाइस ऑफ यू। कैमरामैन सर, आप और आपके असिस्टेंट इस कमरे में रहेंगे। हम दोनों लाइटमैन बीच पर जाकर सो जाएंगे। जी नहीं, नीचे बेसमेंट में एक कमरा है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। तुझे कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ये चाहे तो मेरे साथ सो सकते हैं। इनको क्यों बुला रहे हैं साहब जी? घर का साइज देखा? देखा। इतने बड़े घर में सब साथ रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। चल आर्नोल्ड और आमिर खान जी, हमारे साथ रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे सर, सर आप कैमरामैन होके लाइटमैन का कितना ख्याल रखते हैं। उसका भी कारण है यार, उठ जा। वैसे मेरा कमरा किधर है? मुझे बताया तो था कि एक डॉक्टर आने वाले हैं, लेकिन मैं भूल गई। आप लाइटमैन या कैमरामैन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप बेसमेंट में भी रह सकते हैं। व्हाट डू यू मीन? मैं डॉक्टर प्रसाद हूँ। फेसबुक पर मेरे बारे में पढ़ा होगा, या ट्विटर पर मेरे ट्वीट्स तो पढ़े ही होंगे, इंस्टाग्राम पर शाहरुख और मेरी फोटो देखी होगी। इज्जत का कचरा हो गया। Let it be. मैं वैसे भी इन लोगों के साथ नहीं रह सकता, ऊपर भी तो एक कमरा है, मैं अकेले ही वहाँ सुकून से रह लूंगा। लेकिन वो एमडी का कमरा है सर। ओह मेरे गॉड। रिलैक्स सर, देखिए मैं एमडी से बात कर लूंगी, ठीक है? आप बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आप वो रूम ले सकते हैं। थैंक